दोस्तों, अगर क्या आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप लेने जा रहे हैं या अभी तक आपने लैपटॉप नहीं लिया, लैपटॉप लेने का मन बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए, कहीं कोई आपका फुद्दू ना बना दे यानी पप्पू ना काट ले। अगर आप किसी अनजान जगह पे जाके लैपटॉप खरीदते हैं या किसी शोरूम से खरीदते हैं, तो कभी कभी लोग उनका पप्पू बना लेते हैं और असेंबल्ड लैपटॉप उनको चिपका देते हैं और बोलते हैं कि ये आपका वारंटी में है। और फिर जब वारंटी क्लेम करने के लिए जाते हैं, तो वो वही लोग अपनी छोटा मोटा कुछ ना कुछ इधर करके उधर घुमा फिरा करके आपको फिर पप्पू बना देते हैं, और वो लैपटॉप एक्चुअली असेंबल्ड लैपटॉप होता है। तो उससे बचने के लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को अंत तक चिपक के देखिए और पूरा इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हो सकता है कि आपने कभी लैपटॉप ले लिया हो या लेने का मन बना रहे हो, लेकिन अभी तक नहीं लिया, हो सकता आपको ये बातें ना पता हो। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि लैपटॉप की ओरिजिनलिटी कैसे चेक करें। अगर आप किसी भी ब्रांड का लैपटॉप ले रहे हैं तो उसके ऊपर देखिए एक होलोग्राम चिप जरूर लगी होगी, होलोग्राम स्टिकर लगा होगा। वो होलोग्राम स्टिकर ये बताता है कि ठीक है, ये लैपटॉप उस कंपनी का है, लेकिन वो इतना काफी नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, उस होलोग्राम से उस कंपनी का एक सीरियल नंबर निकालेंगे और सीरियल नंबर निकाल के उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से उस कंपनी की वेबसाइट से वो सीरियल नंबर मैच करेंगे। अगर वो सीरियल नंबर एग्जैक्ट मैच करता है तो आपका लैपटॉप ओरिजिनल है और उसी कंपनी का है। अगर आप एचपी का है तो आप एचपी की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, या डेल का है डेल का, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनी का प्रोसेस एक ही जैसा होता है। फिर हम क्या करेंगे या कि अब फिर तो दोस्तों, यहां तक कि ये बात हो जाती है कि यहाँ पे लैपटॉप आपकी ओरिजिनलिटी चेक करने की बात। अब बात करते हैं, कहीं आप ऐसे शोरूम पे गए या फिर ऐसी कोई एक मार्केट है, जैसे दिल्ली के खान मार्केट हो गई, गफ्फार मार्केट हो गई, या फिर किसी भी आप जगह पे हैं, या बैंगलोर की केआर मार्केट हो गई या एसपी रोड हो गया, वहां पे आप जाते हैं, फिर आप वहां पे देखते हैं बहुत ही बड़े लोग चोरबाज लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आपको हो सकता है उसमें कुछ पुराना असेंबल करके बेच रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप की बैक सीट चेक पैनल पे जाके देखना है कि कहीं उसके पेच जो है कि स्क्रू ड्राइवर कहीं ना कहीं से खुले हुए तो नहीं नजर आ रहे, या फिर उनके स्क्रू ड्राइवर पे कोई निशान तो नहीं है पेचकस का। तो उससे साफ साफ पता लग जाता है कि ये लैपटॉप अभी तक खुला नहीं है। तो ये तो बात हो गई लैपटॉप की, कैसे आप पता लगा सकते। फिर उसकी बैटरी को आप चेक कर सकते हैं निकाल करके, बैटरी की बैकअप कितना है। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कि आपकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है। आप कंफर्टेबिलिटी का मतलब जो है, आप लैपटॉप जो खरीद रहे हैं वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैटर करता है कि साइज। देखिए, लैपटॉप की जो साइज है वो जनरली 11.6 इंच से होते करके 17.3 इंचेस या 13.3 इंचेस के बीच होते कैरी करते रहते हैं, आप ट्रेवल करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक छोटा लैपटॉप लीजिए जो 11.3 इंच से लेकर के या 13.3 इंच के बीच का हो, यानी इससे बड़ा आप लैपटॉप मत लीजिए, क्योंकि आपको कैरी करने में भी आसान रहेगा और साथ ही साथ ठीक है ना। तो फिर ये बात हो गई कैरी करने की बात। अब बात होती है स्क्रीन क्वालिटी। देखिए, स्क्रीन क्वालिटी क्या होती है कि आप जैसे ही लैपटॉप को ओपन करते हैं तो उसकी लाइफ अच्छी है, काफी अच्छा चल सकता है, और उसको स्क्रीन को काफी अच्छे से देखना है कि मतलब उसमें एक जरा सा भी कहीं सा भी ब्लैक कलर का कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए। यानी अगर बहुत ही बारीक सा डॉट है, यानी कि जैसे आप पेन की निप को रखते हैं, एक पॉइंट बन जाता है, अगर उस पॉइंट का भी आपको दाग दिख रहा है वहां पे, तो उस लैपटॉप को वहां से तुरंत नेगलेक्ट कर दीजिए, उसको मत लीजिए, क्योंकि वो पॉइंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और उसके बाद आपका वो लैपटॉप में स्क्रीन में फैलना शुरू कर देगा। वो अभी नहीं पता लगेगा, कुछ सालों के बाद लगेगा, और तब तक के लिए आपकी वारंटी भी खत्म हो जाएगी और आप वारंटी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल कंपनी इस टाइप की वारंटी को क्लेम भी नहीं करती है, तो उस टाइप को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये न्यू लैपटॉप में जरूर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वो बाद में मिलता है, तो ये आप चीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आती है कीबोर्ड क्वालिटी। कीबोर्ड क्वालिटी देखिए मैच करती है कि आप जो है सभी कीबोर्ड कैसे से वर्क कर रहे हैं, उनके फंक्शन कर रहे हैं, आप सभी के सभी कीबोर्ड को एरो की डिलीट की यानी नंबर की नंबर के साथ लग रहा है कि नहीं। कीबोर्ड आपको जरूर इस समय टेस्ट कर लेना चाहिए। फॉर सीपीयू, आजकल जैसा सीपीयू जो चल रहा है, कोई i3 प्रोसेसर, i5, i7
जो जनरली अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं और आप अच्छे पीसी को बहुत ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, तो आप मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो होता है वो कोर i5 है, आप उसको चूज़ करिएगा कोर i5 को। और रही रैम की बात, अगर रैम को तो मिनिमम कम से कम 8 GB से 16 GB के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर आज की डेट में काफ़ी बल्की होते जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर जनरली आज वीडियो एडिटिंग लोग कर रहे हैं, आप ग्राफिक्स के लोग सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, फिर मूवीज़ भी बड़ी बड़ी क्वालिटी की आ गई, हाई HD अल्ट्रा HD मूवीज आ गई हैं, तो उनसे उन सबको ध्यान में रखते हुए आप रैम जो है कम से कम 8 GB से 16 GB, तो मिनिमम 8 GB तो होनी चाहिए। और रही हार्ड डिस्क की बात, हार्ड डिस्क तो मिनिमम आप 1 TB लेके पकड़ के चलिए, 1 TB आप बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा साइज होता है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ ध्यान में रखिएगा, और आपको जो नए लैपटॉप खरीदते हैं उनको उनके लिए हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो आपके तरह जो है नया लैपटॉप खरीदने की जानकारी लेना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है ये उनके काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अपना ख्याल।